अंदरूनी प्रतिबिंब समझे खातिर ये बहुते आसान और सरल प्रयोग हवे। एकरे खातिर आपके खाली बॉटल लगी, पानी लगी और डेटॉल लगी और एगो लेजर लाइट लगी। सबसे पहले डेटॉल को कुछ बूंद ड्रॉपर से लेके एगो बोतल के पानी में डाल लें, इनमें सिर्फ आधा ही पानी भरें। अपन डेटॉल डालने का मकसद ई हवे ताकि अपने पानी के तनी सा धुंधला बना सकी जाए, ताकि जब पर लाइट मारी जाए तब अपने के दिख सके। अब डेटॉल के अच्छा से मिला लें, ओकरे बाद लेज़र लाइट ले लें पॉइंटर वाला और ओके बॉटल में सीधा मारें। आप लोग देख सकें जा कि निकलत भइल किरण सीधा जाएला, बट जे तरह आप लोग किरण टेढ़ा कर जाइन जा और जैसे ही किरण पानी के ऊपरी सतह पर लगी, आप लोग देख सकें जा कि लाइट मुड़ जाएला। एगो क्रिटिकल एंगल के बाद या कोण के बाद अपन लाइट मुड़ जाएला। ये पूरा अंदर का प्रतिबिंब हवे, अंग्रेजी में एक इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहल जाला। ऐसन कैले के बाद अब दूगो जलत भइल अगरबत्ती लेके अपने बोतल में ऊपर डाल लें, ताकि ओकर धुआं अपने बोतल के अंदर भर जाए। आप लोग देख सके नीचे के तरह। ओकरे बाद अपन अगरबत्ती निकाल के ऊपर ढक्कन लगा लें। ऐसन में लाइट मरने के बाद आप लोग देख सके नीचे कि जे तरह लाइट हल्का मीडियम से डेंस मीडियम या भारी मीडियम में जाएला, अपन लाइट नॉर्मल के तरफ मुड़ जाएला। आप लोग देख सके नीचे इके तरह होला।